हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको परफेक्ट स्प्राउट कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। इसको बनाकर कई दिनों तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में स्प्राउट से एक साइड डिश बनाई हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिए। मैं स्प्राउट करने के लिए मूंग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सोयाबीन, राई, चना ये सब यूज़ कर सकते हैं। आप जिसका भी स्प्राउट चाहे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले साबुत मूंग को 4 से 5 घंटा के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। फिर 1 स्पून मूंग लेकर जार में डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर एक नैपकिन बांध देते हैं। इसमें ज़्यादा मूंग भरना नहीं है। फिर जार को ऐसे रख देते हैं ताकि इसका सारा पानी सब निकल जाए। तो फिर अब से हम दिन में 2 बार पानी ऐसे भरेंगे, फिर इसका पानी निकाल देंगे। अच्छा, स्प्राउट में पानी कुछ भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो स्प्राउट खराब हो जाएगा। इसको ऐसे रखने से पानी अच्छे से निकल जाता है। 2 से 3 दिन के बाद स्प्राउट रेडी हो गया है। फिर एक प्लास्टिक बोतल में बहुत सारा छेद बना दिए। फिर इसमें भिगाया हुआ मूंग भी डाल दिए। इसमें भी पानी दिन में 2 बार भरेंगे। देखिए पानी छेद से पूरी तरह से निकल रहा है। इसके कैप में भी एक छेद बना दिए थे। इसको ऐसे रखने से कुछ भी पानी है तो वो निकल जाएगा पूरा। 2 से 3 दिन के बाद स्प्राउट रेडी है। अब हम इसको काट के निकाल देते हैं। अब आप मार्केट से स्प्राउट ना लें, ऐसे ही बनाइए, ठीक है ना। स्प्राउट से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। रायता, सलाद, पराठा, सब्जी में डाल सकते हैं, कटलेट, बहुत कुछ। आप सबको तो मालूम है स्प्राउट बहुत ही हेल्दी है, तो आप एक बार बनाइए, कपड़े में रखिए, फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। लेकिन आज मैं इस स्प्राउट से बढ़िया साइड डिश बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। हम एक पैन में 1.5 ग्लास पानी डालते हैं। फिर पानी को बॉईल होने के लिए रखना है। फिर पानी बॉईल होने के बाद इसमें सब स्प्राउट डालते हैं। स्प्राउट को बस 10 से 15 सेकंड के लिए कुक करना है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अच्छा, अब हम इसे कोल्ड वाटर में डालना है। अब इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, नहीं तो पानी रह जाता है, और पानी रह जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसमें कुछ लहसुन और स्प्रिंग ओनियन डालते हैं। ब्लैक पेपर और रोस्टेड तेल भी डाल देते हैं। इसमें ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से डालिए। और चीनी भी डालते हैं। फिर स्वाद अनुसार नमक, विनेगर और सोया सॉस डालते हैं।
फिर लास्ट में चिल्ली ऑयल डालते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर फ्रिज में स्प्राउट है तो फटाफट एक साइड डिश तैयार हो जाता है। तो फिर आप मूंग को भीगने के लिए रख दें, क्योंकि स्प्राउट जो बनाना है